बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन इस ओर ध्यान शायद नहीं दिया जाता। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कैसे सड़क के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, देखिए लोकतंत्र की ये खास रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले में 209 लाख रुपए की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बुरगांव से रईपुरा 5.10 किलोमीटर की सड़क का निर्माण हुआ। कार्य प्रारंभ दिनांक 12 नवंबर 2021 और कार्य पूर्णता 11 नवंबर 2022 बता दिया, जबकि मार्ग अभी अधूरा ही है। एक पुरानी सड़क बनी हुई है जिस पर डामरीकरण करके सड़क बना दी गई है। मात्र आधा किलोमीटर के करीब का नया निर्माण किया गया है, बाकी पुराना ही रोड आज भी यथावत रखा है, जबकि बोर्ड में बाकायदा नया निर्माण लिखा है। ठेकेदार द्वारा गारंटी की अवधि 5 वर्ष दी गई है, किंतु इस रोड निर्माण को अभी सिर्फ 2 माह ही हुए हैं और अभी से ये रोड उखड़ना प्रारंभ हो गया है। वहीं ठेकेदार सलीम जहांगीर द्वारा गड्ढों को छुपाने के लिए सीसी रोड पर डांबर डाल दिया गया, किंतु ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत कर कार्यवाही की मांग की जा रही है और सड़क का निर्माण फिर से करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार ने 5 किलोमीटर के रोड की बजाय सिर्फ आधा किलोमीटर का ही निर्माण किया है और वो भी घटिया क्वालिटी का। इससे लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट रहा है और ठेकेदार पर सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की जा रही है। ये जो रोड है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनाया गया रोड है, इसकी लागत 2.09 करोड़ रुपए है। ये रोड की कार्य दिनांक 21/22 में बननी थी, जिसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। बोर्ड पूर्णता का लग गया है कि कार्य प्रारंभ दिनांक और कार्य पूर्णता दिनांक, उसका जो रोड बना है गुणवत्ताहीन है और सीमेंटीकरण भी उन्होंने डामरीकरण कर दिया है। जो गड्ढे उखड़े थे, मैं शिकायत की गई थी, अधिकारी द्वारा कॉल आता है कि भाई रोड की शिकायत पूर्ण हो गई है, जाँच पूर्ण है। तो ये बताइए आप यहाँ खड़े हो मौके पर कि ये सीमेंटीकरण पर डामरीकरण हो गया है, ये कौन से नियम में लिखा हुआ है कि सीमेंटीकरण पर डामरीकरण किया जाता है? और अब आगे जाऊँगे तो आगे एक खड्डा है, उस खड्डे के ऊपर पानी जमा हो रहा है। इसके आगे जाऊँगे कंट्रोल के पास तो वहाँ आधा रोड छोड़ा है, मस्जिद है, मस्जिद पास से आने का रास्ता है, मंदिर भी है, वहाँ रोड अधूरा छोड़ दिया, आधा रोड बाकी है और बोलते कार्य पूर्णता हो गया। आप देख लीजिए इसकी गुणवत्ता कैसी है। देखिए रईपुरा तक गणपति नाके से लेके 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है उसकी, लेकिन पहले जो है तो एक गोलू करके शाहपुर के ठेकेदार थे, उसके द्वारा डामरीकरण का काम किया गया था, पुलिया का काम किया गया था, रोड पूरा रईपुरा तक बनाया गया था गणपति नाके से लेकर। उसके बाद ये जो नया ठेकेदार कोई सलीम करके आया है, इसने सीमेंट कंक्रीट का बनाया और केवल बनाया उसने केवल गांव तक, जबकि पूरा रोड उसको मेरे ख्याल से लगा के जो है पूरी खाना पूर्ति कर ली और इतिश्री कर ली, जिसमें पूरा PW डिपार्टमेंट भी शामिल है, प्रधानमंत्री सड़क योजना। वहीं जब इस संबंध में कलेक्टर भव्या मित्तल से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है, मामले की जांच कर ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही कर सड़क का निर्माण भी पूरा करवाया जाएगा और ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाएगा। आपके माध्यम से मुझे बताया गया है कि इसी को शिकायत हुई है, ऐसी शिकायत होती है और इसके बारे में हम पता करेंगे और जांच करेंगे। जी अभी अभी आपके माध्यम से ही पता चला है, तो हम पता करते हैं कि इस एजेंसी के द्वारा ये रोड बनाया गया है और उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।